देखिए भारत एट नाइन काविंद्र चौहान के साथ। नमस्कार, भारत एट नाइन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज भारत में सब कुछ फाइन है, लेकिन पाकिस्तान जो कि हमारा पड़ोसी मुल्क है, वहां सब कुछ फाइन नहीं है। सियासी उठापटक इतनी तेज है कि पता नहीं चल रहा कि कब कौन किसको पटक रहा है। आपको मौजूदा स्थिति की अगर मैं बात करूं तो दर्शकों, मुझको खुद नहीं पता कि पाकिस्तान के जो पीएम है वो करंट है, प्रेजेंट है, एक्स है, वाई है या जेड है, या है क्या। स्थिति बहुत खराब है, लेकिन हमारे पड़ोसी, इसलिए हमको बात करनी पड़ेगी, क्योंकि पड़ोसी के घर में जो हंगामा हो रहा है, जो लगातार जो फाइट हो रही है, सब लड़ रहे हैं आपस में, सब लड़ रहे हैं। देयर इज अ ह्यूज हुल्ला बुल्ला, सब लड़ रहे हैं। कोई इसको लड़ रहा है, कोई उसको लड़ रहा है, कोई इसके सर पे मार रहा है, कोई उसके सर पे मार रहा है। मारपीट हो लगातार सियासी, लेकिन इस बीच क्योंकि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी, और कहते हैं ना कि वी कांट चेंज आवर नेबर्स, तो जब हम अपने पड़ोसी को बदल नहीं सकते, ये बात साफ है कि पड़ोसी को डांटते हैं, पड़ोसी को समझाते हैं, पड़ोसी को पीटते रहे, लेकिन बच्चे की तरह उसे बहुत प्यार भी किया है। हर वक्त हमने ये सोचा है कि पाकिस्तान जैसा भी है, नालायक है, लेकिन है बेटा, उसको लेकर बातचीत कर रहे हैं। लेकिन एक और चीज आपको बता दूं कि पाकिस्तान में दोस्तों बीते काफी दिनों से सब कुछ ठीक थे। हालांकि मैं आपको बता दूं कि जो कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, जो बात मैं आज करने जा रहा हूं, जब मैं सातवीं में था तब भी ऐसा ही था पाकिस्तान, जब मैं 7 साल पहले पत्रकारिता शुरू कर रहा था तब भी ऐसा ही था पाकिस्तान, और आज की तारीख में भी ऐसा ही है पाकिस्तान। मतलब कोई सरकार वहां पर कंटिन्यू नहीं कर पाती, हर सरकार डिस्टेबलाइज हो जाती। लेकिन आज इस पर बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अति आवश्यक है। वो इसलिए अति आवश्यक है दर्शकों, क्योंकि हमारा पड़ोसी है पाकिस्तान, और वहां पर कई सारी चीजें बिगड़ती कैसे चली गई। सबसे पहले तो वहां पर बता दें दर्शकों कि टोमेटो महंगा हुआ तो जनता परेशान, तेल महंगा हुआ तो जनता परेशान, उसके बाद गधे महंगे हुए तो चाइना परेशान, क्योंकि गधे चाइना को बेचते हैं तो चाइना परेशान। इसके बाद आपको बता दूं कि जेलेंस्की को, जब आप रूस और यूक्रेन वॉर की बात करते हैं तो आप कहते हैं जेलेंस्की, आखिर पुतिन से क्यों लड़ रहा है जेलेंस्की, जब नहीं है। अपनी जनता का सोचिए भाई, अपने देश के लोगों का सोचिए भाई, आप सिर्फ ईगो की लड़ाई कर रहे हैं। पाकिस्तान में भी यही है, आज पाकिस्तान में कोई नेता अपने देश की जनता के बारे में नहीं सोचना चाहता। स्थिति दर्शकों इतनी खराब है कि सब कुछ इतना महंगा है कि आम आदमी तो कैसे जिएगा ये नहीं सोच सकता, सुबह कैसे होगी, गुड मॉर्निंग होगा या नहीं होगा ये भी नहीं सोच सकता। आपको बता दूं कि पाकिस्तान के सदन में इस वक्त 342 जो सीटें हैं उसमें बहुमत यानी मेजॉरिटी, जो इस वक्त आपने उत्तर प्रदेश में देखा होगा योगी आदित्यनाथ लेकर आए, वैसी मेजॉरिटी के लिए 172 सीटों की जरूरत होती है। इमरान खान के पास अब सिर्फ 164 बची हैं, विपक्ष के पास 177 है। और आपको बता दूं कि MQM इनका अच्छा खासा पार्टनर था, अलायंस था, लेकिन MQM इनको छोड़कर चला गया और 7 सीटें लेकर चला गया। आप बची वो जो 24 सीटें उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, 24 सीटें जो है जो बागी विधायक होगी, अगर वो मान लीजिए जुड़ गए विपक्ष के साथ, तो इमरान खान की विदाई टाटा बाय बाय ऐसे होगा कि कैसे ही क्या होगा, बाहर से ऑटो पकड़ना पड़ेगा इमरान साहब को। लेकिन इससे पहले आपको बता दूं कि पाकिस्तान में जो कुछ चल रहा है इसको लेकर लोग कह रहे हैं कि भारत में क्या असर पड़ेगा भाई, तो भारत में ऐसा मत समझिए कोई असर पड़ेगा, यह है शैतान है, लड़ते रहते हैं, ठीक है, भारत में कोई ऐसा असर नहीं पड़ेगा। बस एक असर पड़ेगा कि आपका पड़ोसी जो है इतना डिस्टेबलाइज है तो आखिर कैसे चलेगा। दूसरी चीज, पाकिस्तान जो है वो दर्शकों, जैसे कि बीते काफी दिनों में देखा कि चाइना की कठपुतली सा है, जैसे वो जेलेंस्की वहां पर अमेरिका और नाटो बोला चलो, और जब युद्ध शुरू हो गया तो बोला एकला चलो, और यही पाकिस्तान में चीन कह रहा है कि हम तो पाकिस्तान के साथ हैं। और इमरान खान कुछ भी बोलते हैं। इमरान खान ने पहले तो अमेरिका के बारे में कुछ भी बोल दिया, इसके बाद वहां की सेना के बारे में कुछ भी बोल दिया, ऐसे बोलते बोलते चीजें जो है बहुत ज्यादा गड़बड़ हो गई। तो इसको लेकर अब इमरान खान क्या करेंगे, क्या होगा, 3 अप्रैल तक का वक्त है, 3 अप्रैल को नो कॉन्फिडेंस मोशन वहां की सदन में होगा, ये सब ठीक है, सब फॉर्मेलिटीज है, लेकिन इमरान खान अकेले पड़ गए, एंड आई हैव फुल सपोर्ट टू इमरान खान इमोशनली। तो इसको लेकर हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट है, स्क्रीन पर चलेगी, रिपोर्ट को देखिएगा। ये बड़ा डॉलर बनता था ना, नवाज शरीफ दुनिया का वो वाहिद
की है, रोज चीखे मार रहा है कि तुम्हें बचाने अब कोई नहीं आएगा, वो जा चुका है, हम तो उसको खुदा हाफिज़ कहते हैं। इसका अगला हमला होगा पाकिस्तान की फौज के ऊपर। अभी तक जितने भी आर्मी चीफ आए हैं सबके साथ इसका इसके इख्तलाफात हुए। खुद पहले आर्मी चीफ बनाता है, उससे इख्तलाफ क्यों होता है, क्यों इसका आर्मी चीफ के साथ इख्तलाफ होते हैं? इसलिए कि आर्मी के पास जो एजेंसीज हैं उनको सबसे पहले पता चल जाता है इसकी चोरी का, और ये कंट्रोल करना चाहता है। बाकी इदारे कंट्रोल कर चुका होता है, फौज से इसको डर होता है, फिर इसकी पूरी कोशिश होती है फौज को कंट्रोल करने की, फिर इसका इख्तलाफ होते हैं आर्मी के चीफ के साथ। ये अदलिया के ऊपर हमला करेगा, अभी से ही अदलिया को तकसीम कर रहा है, अभी से सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस को अपने साथ मिला रहा है। ये कभी आजाद अदलिया को चलने नहीं देगा, क्योंकि इसने अपने केसेस खत्म करने हैं। आप सब ने इस्लामाबाद इसलिए पहुंचना है, अल्लाह का हुक्म है अमर बिल मारूफ के, जब आप देख रहे हैं कि हुकूमत को कैसे गिरा रहे हैं, जब आपको पता है कि चोरी के पैसे से एक हुकूमत को गिरा रहे हैं मुल्क के सबसे बड़े डाकू। सारी कौम पे अल्लाह फर्ज कर देता है कि आप बुराई के खिलाफ खड़े हो। तो आपने रिपोर्ट देख लिया, रिपोर्ट देखने के बाद हम सीधे अपने जो हमारे मेहमान हैं डायरेक्ट फ्रॉम पाकिस्तान, पाकिस्तान से हमारे साथी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नाम है मिस्टर भट्टी। मिस्टर भट्टी फ्रॉम पाकिस्तान, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आप जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच भट्टी साहब। का ऑडियो सुनाइएगा थोड़ा सा। भट्टी साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? ये आपकी आवाज अभी आ रही है मुझे। ठीक है भट्टी साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका, और अब मैं अपने सवाल करता हूं। सबसे पहला सवाल भट्टी साहब ये आपसे, क्योंकि आप पत्रकार हैं, आप चीजों को बहुत अच्छे से समझते होंगे, आप पल्स होगा एक वहां की राजनीतिक जो चर्चा है उसका पल्स है आपके पास। सबसे पहले ये बताइए कि वहां का पाकिस्तान की जो स्थिति है वो दरअसल पूरी तरह से ऐसी है कि ये महंगा है तो वो महंगा है, लोग कह रहे हैं कि डेब्ट बहुत है, कर्जा बहुत हो गया है, लोग कह रहे हैं कि चाइना की कठपुतली बन गए हैं आप, उसके बाद भी तमाम नेता इंस्टेड ऑफ बीइंग कमिंग इन फुल सपोर्ट टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान, जनता के सपोर्ट में आने की बजाय वो तो ये सोच रहे हैं कि इसको पटक दूं, इसकी कुर्सी से इसको हटा दूं, सेना वहां सोच रही है आपकी कि मैं हटा दूं, ये क्या हो रहा है सर पूरे पाकिस्तान? पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मौका दिया मुझे बोलने का। जी सर। पाकिस्तान के अंदर सियासी माहौल की जो गर्मा गर्मी है उसकी कई वजूहात हैं, उसकी एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों वजूहात हैं। पाकिस्तान के अवाम काफी अरसे से इस बात को महसूस कर रहे थे कि महंगाई और जो मुख्तलिफ सिचुएशंस हैं जो कि एक आम आदमी को अफेक्ट करती हैं वो बहुत ज्यादा होने जा रही हैं, तो जाहिर है हुकूमत पे प्रेशर आता है और अपोजिशन जो है वो इससे फायदा उठाती है। अगर इसका थोड़ा बैकग्राउंड देखा जाए तो पिछले 3-4 बरसों में जब से इमरान खान वजीर आजम बने हैं अपोजिशन कोशिश कर रही थी उनके खिलाफ कोई महाज बनाने की, लेकिन हर दफा उन्हें नाकामी हुई, हर दफा उनके लिए मुश्किल ये पेश आई कि वो एक किसी एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे नहीं हो सके। पीडीएम भी बना पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस, उसके बावजूद वो इकट्ठे नहीं हो पा रहे थे, लेकिन अचानक पिछले 2-3 महीने के अंदर ये डेवलपमेंट हुई कि तमाम लोग इकट्ठे हो गए। अब आपने कहा कि शोर बरपा है और इसकी वजह मुख्तलिफ नजर आ रही है। देखिए हर डेमोक्रेटिक रिजीम के अंदर कुछ खामियां और कुछ खूबियां होती हैं। आपके यहां चूंकि कभी ऐसी सूरत हाल देखने में नहीं मिली है, चूंकि मार्शल लॉ कभी नहीं लगा है, पाकिस्तान के अंदर जो कुव्वतों के मुख्तलिफ कॉरिडोर्स हैं या आप कह लें कि जो पावर के जो मंबा हैं, मुख्तलिफ जो सतून हैं, वो भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं जब भी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर कोई इस किस्म की सिचुएशन बनती है। अभी तक जो सूरत हाल बन रही है उसमें आप जो हुकूमती अलाइज हैं अगर उनकी पोजीशन देखें तो उसमें उनको जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है इमरान खान को, वो उनकी पार्टी के अपने लोग उनको छोड़ गए हैं, जिसकी वजह से अपोजिशन को एक सपोर्ट मिली है और जो इत्तहादी थे, यानी दो किस्म के लोग अलग हुए हैं, एक तो उनके पार्टी के अपने लोग हैं जिनकी तादाद 20 से 22 है जो कि अपोजिशन क्लेम कर रही है, और प्लस में जो उनके अलाइज थे, इत्तहादी थे जो कि हुकूमत को सपोर्ट कर रहे थे, वो भी पीछे हट गए हैं। तो ये दोनों सेटबैक की वजह से
इमरान खान की हुकूमत इस वक्त तकरीबन खत्म हो चुकी है। आसिफ अली साहब, क्योंकि आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कॉलमनिस्ट हैं, आप मुझको पता है कि ठीक ठीक सच सच बात रख रहे हैं। आपने कहा कि उनके खुद के लोग उन्हें छोड़ रहे हैं, इस वजह से जो वहां पर डिस्टर्बेंस हो रहा है, इस वजह से हो रहा है। लेकिन एक और चीज है, ये चीज पूरा इस वक्त देश आपको देख रहा है और वो सब पूछना चाह रहे हैं आपसे कि ये सेना का क्या है? सेना अपने रोल से हटकर ये पॉलिटिकल रोल में हमेशा इतना एक्टिव क्यों दिखती है? इस बार भी लोग कह रहे हैं कि सेना और इमरान के बीच की जो बातचीत नहीं बन रही है, सेना कह रही है हम न्यूट्रल हैं, और इधर इमरान खान साहब कह रहे हैं कि न्यूट्रल तो दरअसल वो जानवर होते हैं। लेकिन सेना जो इतना इंटरफेरेंस कर रही है, सेना को तो बॉर्डर पर देश की रखवाली वाला उनका रोल होता है, लेकिन इसके बाद भी वो सियासत में इतना ज्यादा एंट्री क्यों रखते हैं? आपका सवाल अपनी जगह पे, लेकिन आपको यही तो बात मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो पावर के मुख्तलिफ सतून हैं, जो पिलर्स हैं, उनकी इन्वॉल्वमेंट उस वक्त आती है जब मुल्क क्राइसिस में होता है। इस दफा ये हुआ है कि मिलिट्री ने, जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो अपने डिस्टेंस किया है उस, और जो इमरान खान का स्टेचर बन रहा था या जो के बारे में एक बात कही जा रही थी कि इनको एक सफे की जो बात हो रही थी, सेम पेज की जो बात हो रही थी, अपोजिशन करती थी कि इनको सपोर्ट मिल रही है सेना की तरफ से या फौज की तरफ से या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, तो ये बात उन्होंने साबित की है मिलिट्री ने पहली दफा इतने ओपनली कि हम किसी तरफ भी नहीं है, हम न्यूट्रल हैं। ये उस न्यूट्रलिटी का अंजाम है जो इमरान खान फेस कर रहे हैं आज, कि तमाम वो जो सपोर्ट उनको माजी में मिल रही थी जब वो हुकूमत सर, ये में तो वही आए कि हम न्यूट्रल है, जैसे टेररिस्ट कहते हैं कि हम टेररिस्ट नहीं है, हम तो दरअसल क्रांतिकारी है, रिवॉल्यूशनरी है, तो वही बात की ना। देखिए दो मुख्तलिफ, देखिए देखिए मेरी बात सुनिए, देखिए आप इस बात को थोड़ा सा इस पर्दे से हट के देखिएगा जो कि आप जिस आईने में देख रहे होते हैं चीजों को, क्योंकि देखें पहली दफा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने यह फैसला किया है कि जो पॉलिटिकल रोल है जमातों के या पॉलिटिकल जो उनका प्लेटफॉर्म है उसको इस्तेमाल करें, आपके पास अक्सरियत है, आप ले आइए, हुकूमत गिरा दीजिए, खत्म होगी बात। और यही हुआ है कि जो इमरान खान के मुतालिक एक लोग कॉन्शियसली अटेम्प्ट नहीं कर रहे थे कि इनको तो मिलिट्री की एस्टेब्लिशमेंट की हिमायत हासिल है, हम इनके खिलाफ कैसे जाएं। जैसे ही ये इंप्रेशन डाइल्यूट हुआ है तो लोग खड़े हो गए। पार्टी टूटना इतनी बड़ी मिसाल है, आप सोचिए नवाज शरीफ हुकूमत से गए थे, मैंने कवर कर रहा था उनको, जब वो 2017 में डिस्क्वालीफाई हो गए तो लग रहा था कि पार्टी तबाह बर्बाद हो जाएगी, उड़ जाएगी, खत्म हो जाएगी, पार्टी के लोग छोड़ जाएंगे, कोई भी छोड़ के नहीं गया। उसकी रीजन ये थी कि एक पॉलिटिकल, तो अभी का ये बताइएगा कि अभी जो आपके यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, उन्हें मैं प्रधानमंत्री बोलूं या पूर्व प्रधानमंत्री बोलूं? क्योंकि जो डेटा हमारे पास आ रहा है वो तो दरअसल ये कह रहा है कि मेजोरिटी के लिए आपको 172 सीटों की आवश्यकता होती है, जरूरत होती है, लेकिन इमरान खान के पास बचे 164, एमक्यूएम भी छोड़कर चला गया है, विपक्ष के पास ज्यादा हो गई है सीटें, तो वो तो कभी भी पलट सकता है। फिर देखिए दो चीजें, एक तो है पॉलिटिकल, हम आप उसको जिसमें एक इखलाकी पोजीशन होती है मॉरल, और दूसरी होती है कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है 342 का टोटल असेंबली की स्ट्रेंथ है, जिसके अंदर आपको सादा अक्सरियत चाहिए 172, जैसे आपने मेंशन किया। अब इमरान खान के पास इस वक्त तक जो उनके अपने साथी छोड़ के गए हैं, अपोजिशन क्लेम कर रही है कि वो तादाद 20 से 22 है, ये तो चले गए। उसके बाद दो बड़े जो उनके प्लेयर थे जो कि उनको सपोर्ट कर रहे थे हुकूमत को, एमकेएम और बाप पार्टी जो कि बलूचिस्तान से जिसका ताल्लुक है, उसके बाद जीडीए के अलायंस का अभी तक फैसला नहीं हुआ है, मुस्लिम लीग काफ ने भी फैसला नहीं किया कि वो किधर खड़े होंगे। तो अब भी जो पोजीशन है, मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बता दूं, बहुत ही क्लियर हो चुकी है पोजीशन के अपोजिशन ने अपने नंबर्स पूरे कर ली, बल्कि वो 172 नहीं बल्कि इस वक्त 190 प्लस चल रहे हैं। और इस वक्त इमरान खान जो उनकी पोजीशन है एज अ प्राइम मिनिस्टर, वो कॉन्स्टिट्यूशनली प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर है जब तक उनके खिलाफ ये जो मोशन है ये इंडोर्स नहीं होती है नेशनल असेंबली के फोरम से, जब तक वोटिंग नहीं होती है और वोट आउट नहीं होते हैं तब तक ये जो अदम एतमाद की तहरीक की कामयाबी है उस तक वो वज़ीर आज़म रहेंगे। ठीक है, ओवर एंड आउट इखलाकी तौर पे, हाँ ओवर एंड आउट होते हैं कि नहीं होते हैं, ठीक है आपकी बात मैं समझ रहा हूँ सारी, लेकिन एक और चीज जानना चाहेंगे यहाँ पर कि लोग इस टाइम, आपको पता होगा कि इंडिया में बहुत से लोग ये पूछ रहे हैं कि जब इमरान खान के ऊपर इतनी बड़ी आफत आई, जब ओवर एंड आउट होने वाली सिचुएशन आई, कहा गया कि इमरान खान साहब का तो ये लास्ट ओवर है, खत्म है,
और अब गए अब गए अब गए, ये चल रहा है भारत में कि इमरान खान साहब तो अब गए अब गए अब गए, और कब गए? कल सुबह सोकर उठेंगे तो पीएम मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, या कुछ और पीएम मिलेंगे? एक और दो चीजें मैं जल्दी जल्दी आपसे पूछूंगा। सबसे पहली चीज तो यह है कि लोग कह रहे हैं कि इमरान खान के ऊपर, उनके एक पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब को तो जान का खतरा है, ऐसा कहा जा रहा है कि पब्लिक अपीयरेंस जब वो करेंगे तो उनको गोली मारने की साजिश चल रही है। दूसरी चीज है कि कई लोग यहां ये भी चर्चा कर रहे हैं कि इमरान खान साहब को दरअसल ऐसा है कि हाउस अरेस्ट तो नहीं कर लिया गया, कहीं सबने मिलकर उनको हाउस अरेस्ट कर दिया है। आज कहा जा रहा है कि उनकी अभी थोड़ी देर बाद स्पीच भी देखने को मिलेगी, वो ठीक है, लेकिन उनको हाउस अरेस्ट तो नहीं कर दिया गया है, उनको गोली तो नहीं मार दी जाएगी, उनकी जान को खतरा है? ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसा एक टाइम पे यूक्रेन पर हुआ था, यूक्रेन में जब ईयू वाली बात हुई थी तो वहां के जो प्रधानमंत्री थे वो भाग गए थे, रशिया चले गए थे। तो ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि हम थोड़े दिनों पहले देख रहे थे कि कितनी मीठी मीठी, जब चीनी खाते हैं तो मीठी मीठी बातें करते हैं, तो इमरान खान साहब प्रधानमंत्री मोदी को लेकर भी बड़ी मीठी मीठी बातें कर रहे थे। तो ऐसा तो नहीं होगा कि कल को इमरान खान साहब दिल्ली में बैठे होंगे, मैकडी में बर्गर खा रहे होंगे, ऐसा तो नहीं हो जाएगा ना? देखिए, जो आपने मिसालें दी हैं वो अपनी जगह पे, लेकिन जो पॉलिटिकल इस तरह का नैरेटिव क्रिएट करना होता है, जब भी कोई पार्टी एक मुश्किल में फंसती है तो उसके तमाम लोग मिलके कुछ ना कुछ बेच रहे होते हैं सौदा अपना, कुछ ना कुछ चीजें कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ कह रहे होते हैं। तो ये सारी गॉसिप जो है ये तो इस वक्त पॉलिटिकल सिचुएशन का हिस्सा है, आप इस पे मत जाइए। लेकिन जो उसूली बात है वो ये है कि इमरान खान इस वक्त भी प्राइम मिनिस्टर है और उसके पास मॉरल पोजीशन नहीं है कि वो इस बात को क्लेम करे, जब तक जाहिर है अपोजिशन उसको प्रूव नहीं करती है नेशनल असेंबली के फोरम पे। दूसरी बात, ना हाउस अरेस्ट है वो, और ना ही इस वक्त उसके जो कत्ल करने की साजिश है उसके बारे में कोई ऐसे कंक्रीट एविडेंसेस मौजूद हैं। क्लेम अपनी जगह पे है, पॉलिटिकल क्लेम है ये उनके मेंबर का, लेकिन कोई ऐसी एविडेंस नहीं है। हम लोगों ने बड़े करीब से देखा है इमरान को, इमरान जो है वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का भी मुजाहरा करता है, आपके आपके यहां भी आके खेला करते थे, आप अपने खिलाड़ियों से पूछिए, तो उनके अंदर एक चीज जरूर है कि वो आइडियलिस्टिक बहुत है, चीजों के बारे में प्रैग्मेटिक व्यू उनका होता है, नेगेटिव साइड को जरा कम देखते हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी तक जो वो बात करें कि आखिरी बॉल तक खेलूंगा, उसका मतलब ये है कि वो अभी भी ये कोशिश कर रहे हैं कि वो लोग जो कि उनसे नाराज होके गए हैं वो उनको किसी तरीके से कन्विंस कर लें, लेकिन वो टाइम शायद गुजर चुका है। ठीक है सर, एक और चीज उनके हाथ से, भट्टी साहब एक और चीज जल्दी से पूछ लेता हूं आपसे कि एक शरीफ साहब हुए, दूसरी तरफ आपके बाजवा साहब हुए, तीसरी तरफ आपके भुट्टो साहब हुए, इन तीनों में आप सच सच बता दीजिए मुझको कि कौन सबसे ज्यादा आपको लग रहा है कि कौन सबसे ज्यादा पिन कर रहा है इमरान खान साहब, सबसे ज्यादा परेशान? मेरे ख्याल में नवाज शरीफ ने उनको बहुत परेशान किया, और मैं आपको इसकी थोड़ी, मैंने आज ट्वीट भी किया कि बेसिकली नवाज शरीफ सारे इस सारे सिनेरियो के अंदर जो विनर है वो नवाज शरीफ है। लंदन नवाज शरीफ का, नवाज शरीफ ने लंदन में बैठ के कमबैक किया है, और आप देखें मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को बैकफुट पे जाना पड़ा है जो कि बहुत सपोर्ट करी थी इमरान खान को। इमरान खान खुद जो कि कल तक अगले 10 साल का ख्वाब देख रहे थे, 5 साल का कमोबेश देख रहे थे, ख्वाब देखते थे, उनके साथ कुछ मोहरे जो के बड़े मजबूत समझे जाते हैं मुल्क, हर मुल्क के अंदर, जैसे आपके यहां भी होंगे, कि वो उनके साथ सपोर्ट कर रहे थे, वो सपोर्ट अचानक खत्म हो गई है उनकी, मीडिया उनके खिलाफ जा रहा है, मजमुई तौर पर जो लोगों की ओपिनियन है महंगाई की वजह से वो उनके खिलाफ हो चुकी है, पोलिटिकल पार्टीज तकरीबन सारी उनके साथ ज़ारा उनके तसादों के रास्ते पे हैं उनके खिलाफ। चीन का क्या रोल है? चीन का मेरा नहीं ख्याल का कोई एक्सटर्नल रोल, टू बी ऑनेस्ट मैं आपको बताऊं, हम लोग हर एक के साथ बात करते हैं और बड़े इंडिपेंडेंट रहा है मैं जिस ग्रुप से हूं, जंग ग्रुप से, जियो से, जियो टीवी से। मैं आपको एक चीज बिल्कुल क्लियरली बताऊं कि हमारे सामने अभी तक कोई ऐसा एक्सटर्नल हैंड इन्वॉल्वमेंट के हवाले से कोई एविडेंस ना किसी ने शेयर किया है। क्लेम्स की हद तक फलाना ये कर रहा है, फलाना अमेरिका ये कर रहा है, भारत ये कर रहा है, चाइना ये कर रहा है, रशिया ये कर रहा है, ये बातें हैं, ठीक है, लेकिन जो एविडेंस है, एक आखिरी सवाल और रहेगा मेरा इसकी, एक बात कर लूं, कंप्लीट कर लूं कि देखें मेंबर क्या अमेरिका या इंडिया या चाइना या रशिया क्या जो पाकिस्तानी मेंबर पार्लियामेंट को खरीदेंगे या उनको उठा के कहेंगे भाई इसको वोट नहीं करना, इमरान खान को वोट नहीं करना, नवाज शरीफ की सपोर्ट करें या जरदारी की सपोर्ट करें या मौलाना फजलुर रहमान की सपोर्ट करें? ऐसा होता नहीं है। ये पाकिस्तान के अपने डायनेमिक्स हैं पॉलिटिक्स के, जिसमें ये चीजें बार बार स्पिन की जाती हैं। ठीक है सर, पॉलिटिक्स तब अच्छी लगती है कि ठीक है आप अपनी जनता के लिए सब कुछ कर रहे हैं, उसके बाद पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ठीक है। मैं आपको इंडिया का बताता हूँ, इंडिया के ग्राम प्रधान जो सबसे लोएस्ट लेवल के जो चुनाव, मान लीजिए पंचायत लेवल के,
ग्राम प्रधान, बीडीसी, ये जो चुनाव होते हैं इसमें भी इतनी जल्दी नहीं देखते हम कि एक दूसरे को हटाकर कुर्सी पर बैठने की कोशिश करते हैं। यहां तो कुर्सी भी, यहां तो खाट खाट होती है, खटिया होती है, उससे भी इतनी जल्दी हटाकर नहीं देखते हम। लेकिन पाकिस्तान में जो ये हो रहा है, इतनी जल्दी से हटाना, ये करना, वो करना, लेकिन दूसरी तरफ हम और भी चीजें अगर हम एनालाइज करते हैं तो हम देखते हैं कि वहां पर हर चीज महंगी हो रही है। चीनी महंगी, टमाटर महंगा, तेल महंगा, अगरबत्ती महंगी, वहां पर हर चीज महंगी, ए टू जेड महंगा। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले बताया गया था कि इमरान खान साहब को अपना घर भी रेंट पर रखना पड़ा, घर भी रेंट पर देना पड़ा ताकि कुछ चीजें वो अपनी ठीक कर लें आर्थिक स्थिति। तो ऐसी स्थिति में जब ये स्थिति हो कि पीएम का घर भी रेंट पर है, ये खबरें सरेआम चल रही हो, उसके बाद अगर आपके सारे पॉलिटिकल जितने भी आप पार्टियों के नाम हैं, जितने भी हैं वहां पर, एमक्यूएम की बात करूं, भुट्टो साहब की बात करूं, नवाज शरीफ साहब की बात करूं, या फिर पीटीआई की बात करूं, जितने भी लोग हैं, ये ठीक लगता है कि आपस में इस वक्त लड़ रहे हैं जस्ट बिकॉज उनको सीट लेना है, उनको पावर, सत्ता हथियार, और इसमें सेना जिसका कोई रोल ही नहीं होना चाहिए था। इंडिया में आप देखते होंगे कोई रोल नहीं होता सर, इंडिया में कोई रोल नहीं होता, सेना अपना काम कर रही है, पॉलिटिकल पार्टीज आर डूइंग देयर वर्क। लेकिन यहां पर ये सब क्या है, बहुत जल्दी कंप्लीट करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए बड़ी मुख्तसर सी बात आपको करूंगा कि देखिए महंगाई एक ऐसा एलिमेंट है जो कि पूरी दुनिया में फिनोमेना चल रहा है। इसमें महंगाई ये नहीं है कि किसी के करने से जानबूझ के उसने कर दी होगी। कोई भी पॉलिटिशियन, कोई भी लीडर, कोई भी प्राइम मिनिस्टर ये नहीं चाहता है कि उसकी जो पब्लिक है वो एंगर में आए, उसके खिलाफ वो कोई ऐसा स्टेप ले कि जिससे उनकी जिंदगियां मुश्किल हो जाएं। लेकिन ये जो नेचुरल फिनोमेना है इस वक्त आफ्टर कोविड, उसके बाद हर जगह पे महंगाई हुई है, लेकिन ये कोई आर्गुमेंट नहीं है। हर गवर्नमेंट का ये जिम्मेदारी है कि वो उसको ठीक करने की कोशिश करे। इमरान खान के साथ प्रॉब्लम ये हुई है कि वो अच्छी टीम ना होने की वजह से, जिसका वो हमेशा क्लेम करते थे, वो बार बार कहा करते थे कि मेरे पास इतने माहरीन हैं, फलान है, वो सारों में नाकाम हुए हैं, और उस नाकामी की वजह से जो है उनको आज ये आपने मुझको बहुत इंप्रेस किया, आप मुझको बहुत अच्छे आदमी लगे, आप क्योंकि सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, और आप मेरे को इसलिए आपने इंप्रेस किया क्योंकि हमने देखा है कि पाकिस्तानी हम जब इससे पहले जितने भी हमारे साथ जर्नलिस्ट वगैरह जुड़ते थे, हम एक चीज नोटिस करते थे कि कोई भी उनसे बात की जाए वो इसको भारत के ऊपर छोड़ देते हैं। मैंने महंगाई को लेकर बात करी, आपने कहा कि नहीं चाहते, लेकिन आपने ये नहीं कहा कि भारत, क्योंकि हमने देखा आपके जर्नलिस्ट तो ये तक चिल्लाते न्यूज रूम पूरा शोर शराबे से भर देते हैं कि वो देखिए इंडिया भाई टमाटर नहीं भेज रहा, इंडिया नमक नहीं भेज रहा, और चाइना को खबरें चलती है कि चाइना को आप गधे बेचते हैं। चलिए भट्टी साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए, समय की कमी के कारण आपके साथ इतना ही रहा, बहुत बहुत शुक्रिया, सीरियसली बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज मैं पाकिस्तान को लेकर बात कर रहा था कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है भाई, टोमेटो महंगा है, तेल महंगा है, चीनी महंगी है, कारपेट महंगा है, रजाई महंगी है, गद्दा महंगा है, और इस वक्त जो गधे बेचता था पाकिस्तान वहां पर गधे भी महंगे हैं। क्या कुछ हो, कल एक बार फिर इस पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, फिलहाल शुक्रिया।